जंकी तारा सैम हियर विद अ न्यू वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो फ्रीलांसिंग क्या होता है। फ्रीलांसिंग एक अर्न करने का प्लेटफॉर्म है, अर्न करने का तरीका है। जैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब चीज़ों से अर्न कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप से अर्न करते हो, यूट्यूब से अर्न करते हो, उसी तरह से एक जो फ्रीलांसिंग है ये भी एक अर्न करने का प्लेटफॉर्म है। तो देखो ये फ्रीलांसिंग होती क्या है। जैसे आपके पास कोई स्किल होती है, मान लो आप अच्छा बोल सकते हो, अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप हो आप, या फिर मिमिक्री कर सकते हो या फिर कुछ भी, और उसके बाद या फिर आप कुछ अच्छा लिख सकते हैं, कुछ कंटेंट अच्छा लिख सकते हैं, कुछ कंटेंट बना सकते हैं, या फिर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, या फिर आप एमएस एक्सेल, फोटोशॉप, एक्सेस, पावर पॉइंट ये सब के एक्सपर्ट हैं, तो आपको ये सब स्किल्स में अगर आप परफेक्ट हैं, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, तो आप अर्न कर सकते हैं इन सब स्किल्स के सबकी स्किल्स की मदद से। तो देखो अर्न कैसे करते हैं। तो फ्रीलांसिंग के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, लाइक अभी पॉपुलर वेबसाइट्स जो हैं वो कुछ freelancer.com, Upwork, Fiverr, ये सब पॉपुलर फ्रीलांसिंग वेबसाइट। क्लाइंट्स, आपके क्लाइंट्स और आप मतलब जो फ्रीलांसर होगा वो दोनों इंटरेक्ट करते हैं और फिर डील की जाती है। देखो तो इसी को बोलते हैं फ्रीलांसिंग। आपको ये स्किल सीख लिए और स्किल सीखने के बाद आप कोई सर्विस को बेच रहे हो, लाइक अगर आपको फोटोशॉप में मास्टरी है, आप लोगो डिजाइन अच्छे से कर लेते हो, आप वीडियो एडिटिंग अच्छे से कर लेते हो, तो आप फ्रीलांसिंग पे प्रोफाइल बनाओगे। फ्रीलांसर्स पे जितने भी वेबसाइट्स हैं सब पे प्रोफाइल बनाओ और आप जो जो काम आपका है जिसमें आपका परफेक्शन एकदम परफेक्शन के साथ आप जिसमें काम कर लेते हो वो सब पे आप जाओ और प्रोफाइल बनाओ, वो सब चूज करो। वहाँ पे कैटेगरी देता है और जब चूज करने के बाद आपको वहाँ पे बिडिंग करनी होती है। लाइक अगर कोई प्रोजेक्ट सबमिट करता है, जो क्लाइंट्स होता है, जो कस्टमर होता है, वो प्रोजेक्ट सबमिट करता है कि मेरे को ये काम है और इतने दिन में चाहिए, मैं इतने पैसे दूंगा, तो ये जो उसके बाद आपको बिडिंग करनी होती है, उसके नीचे बिडिंग करने का ऑप्शन रहता है। और जब आप बिडिंग करोगे तो वहाँ आप अकेले नहीं होगे, क्योंकि नए नए आप रहोगे तो वहाँ बहुत सारे लोग पहले से होते हैं, तो अगर आप नए हो तो आपको बहुत मतलब पहले पेशेंस रखना होगा, कम से कम 15-20 दिन, एक महीना, तब जाके आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, क्योंकि आप अचानक से वहाँ अर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले से इतने सारे लोग हैं और आप नए हो गए यार उस प्लेटफॉर्म में, तो आपको कोई जानेगा नहीं। और जब आप एक बार जब आपके सर्विस में दम होगा ना, मतलब जब आप एक बार अच्छे से उस सर्विस को प्रोवाइड करोगे, एकदम अच्छा कंटेंट दोगे वो लोग को, तब वो लोग जो है आपको हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे, हमेशा आपसे इंटरेक्ट करेंगे और आपसे ही डील करेंगे वो लोग, तो आपको पेज करेंगे। और ऐसे करने वाले बहुत लोग हैं इंडिया में, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सब होता है, बट इंडिया में बहुत इसका अभी आप इसमें बहुत लोग इसमें करियर बना रहे हैं। और इंडिया में आप ये जान लो लोग 60,000-70,000 भी महीने का कमा लेते हैं इससे, या सिर्फ फ्रीलांसिंग से। और अगर एक और लेवल इसका हटाते हो तो आ जाओ ऊपर, अगर आप 70,000-80,000 रुपये कमा ले रहे हो तो अब आपसे अकेले हैंडल नहीं होगा, आपको अब चाहिए मैन पावर। तो मैन पावर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को या फिर वैसे लोग को जो स्किल्स जानते हैं, वो जैसे फोटोशॉप, अगर आपका काम है फोटोशॉप का, तो आप फोटोशॉप की स्किल्स वाले फ्रेंड्स को आप हायर कर सकते हैं और वैसे लोगों को हायर करके और आप उनको काम दे सकते हैं, इससे उनकी भी मदद होगी। आप उनको कुछ पे कीजिए और कुछ आप रखो, तो उनकी भी मदद होगी और आपकी भी ऐसे अर्न होता रहेगा। तो ऐसे करने वाले बहुत लोग हैं जो कि एक ग्रुप बना लेते हैं पूरा फ्रीलांसिंग का, और उनका एक प्रोफाइल रहता है और वो लोग आपस में फिर पैसे शेयर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब समझ रहे कंपनी टाइप आप खोल सकते हो। बहुत सारे ऐसे इंडिया में हैं जो फ्रीलांसिंग कंपनी चलती हैं। और इसके अलावा भी एक और तरीका है, एक और तरीका अल्टरनेटिव इसका है कि आप अपना प्रोफाइल बनाओ, अपना वेबसाइट बनाओ एक, और उस पर आप अपने सर्विसेज को डिस्क्राइब करो एकदम अच्छे से, अच्छी सी वेबसाइट बनाओ, डिस्क्राइब करो अपनी आप क्या क्या प्रोवाइड करते हो, एक्सेल, एमएस की चीज़ें, या फिर HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ा सकते हो, या फिर और भी कुछ उनसे रिलेटेड इशूज सॉल्व कर सकते हो। हैकिंग में इंटरेस्ट है आपका, तो आप हैकिंग का अगर आपने कोर्स किया, आपने हैकिंग सीखी है, तो आप हैकिंग की मदद से जो ऐप टेस्ट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रीलांसिंग में। तो आप प्रोफाइल बनाओ, जो भी आपका स्किल है, जो भी जिसका भी इंटरेस्ट है और जो भी आप सीखते हैं, तो उतना करने के बाद आपको अब ट्रैफिक जनरेट करना होगा। अब या तो खुद से ट्रैफिक जनरेट करो, या फिर आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर जाके वहाँ से ट्रैफिक लो खुद को, तो दोनों अल्टरनेटिव है, आप वहाँ से अर्न करोगे। और ये आपको पेशेंस रखना होगा वहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला पहले कि अचानक आपको लोग जानने नहीं लगेंगे, बट एक बार जब आप अच्छा उनको कॉन्टेंट दे दो, अपनी सर्विस अच्छी रखते हो आप,
तो बार बार लोग आप ही के पास आते हैं और फिर वो लोग, या फिर आप, वो लोग आपको हमेशा पे करेंगे और टाइम पे उन लोगों को कॉन्टेंट दो बस। और बट अब इसके बाद आपको करना क्या है, तो उसके लिए आपको एक कोई स्किल सीखनी होगी। लाइक अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट हैं तो आप MS Excel, ऑफिस वर्ड, पावर पॉइंट, कॉपी राइटिंग, ब्लॉगिंग, आर्टिकल राइटिंग, या फिर मतलब फोटोशॉप, लोगो डिजाइनिंग, जो भी में आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप सीख सकते हैं। और फ्रीलांसिंग पे अच्छा सा प्रोफाइल बनाओ, अच्छी सी पोर्टफोलियो दो अपनी, या यू कैन डू इट, एंड मतलब आप ये कर सकते हो। अच्छे से डिस्क्राइब करो खुद, तब आप बिडिंग करो। जो प्रोजेक्ट शेयर होती हैं उन साइट्स पे, वहाँ पे बिडिंग करने के लिए फ्रीलांसर जो है नीचे में जो कमेंट टाइप का आता है, तो वहाँ पे नीचे में लोग बिडिंग करते हैं और आप भी बिडिंग करो। वहाँ पे बिडिंग में आपको लिखा लिखना होता है कि मैं ये कर सकता हूँ और इतने पैसे में करूँगा, इतने दिन में डिलीवर करूँगा आपका काम। तो उतना करके आप जब इंटरेक्ट करोगे, और अगर मान लो 100-150 आप बिडिंग करते हो, तो आपका एक तो आ ही जाएगा कोई क्लाइंट्स। तो जब फर्स्ट क्लाइंट मिलेंगे उनको अच्छा सा कंटेंट दो, और उन सिर्फ उन्हीं को नहीं है, सबको देना अच्छा सा कंटेंट दो, अच्छी सर्विस दो, तो बार बार आप ही इसके पास फिर आएंगे और वो लोग आगे रिकमेंड भी करते हैं फिर। तो इतना करने के बाद अब आप अर्न कर सकते हैं अच्छे से, और बट पहले आपको सीखना होगा। तो अगर आप MS Excel, एक्सेस, फोटोशॉप और ये सब सीखना आज अभी 2019 में एकदम फ्री है। आप ट्यूटोरियल्स ले सकते हो यूट्यूब से, यूडमी से, कहीं से भी, यूट्यूब से, गूगल से जाओ सीखो, और कोई भी अच्छी सी स्किल। और बट एक चौर है कि अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कोई भी स्किल सीखने में कुछ टाइम लगता है, 1.5-2 महीना। तो अगर आप सीखते हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट है, मतलब जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, एक्सेल लोगो डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, या एक्सेल डेटा एंट्री के कामों में इंटरेस्ट है, तो जैसा आपका इंटरेस्ट है उस तरह का काम आप सीखो और उसके बाद फ्रीलांसिंग करो। वरना क्या होगा कि आप 8 दिन 10 दिन सीखोगे, फिर लगेगा छोड़ो हटाओ ये सब कुछ नहीं है, और आप चल छोड़ दोगे। तो जब आप सीखोगे तभी अर्न कर सकते हो, फर्स्ट लर्न देन अर्न। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, किसको कहते हैं। और अगर आपको MS Excel, वर्ड, पावर पॉइंट, MS Office का पूरा पैकेज अगर आपको फ्री में सीखना है, तो मेरे चैनल पे ट्यूटोरियल आती है डेली। और सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर कर दो वीडियो को, ताकि सबको पता चल जाए ये सब फ्रीलांसिंग क्या होता है। और उससे मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मेरे चैनल से सीखो, कहीं से सीखो, आपका मन कहीं से सीखो, है ना। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।